Good morning, dear student. Welcome to the class once again. Class 6. Today, I am doing exercise 5.5 and 5.6. So, let's start. 5.5, open your book and see now. Question number first. Find the sums. देखिए मैंने find the sums पहले वाला का first का a हमने किया है. ये देखिए 5/13 + 1/13 = मैंने 13 को कॉमन लिया है. 5 + 1 = 6/13 आंसर यही है. ठीक है. देन हमने सी वाला किया है. सी वाले में देखिए मैंने कैसे किया है. 7 ये इस तरह से आपको बताया जा चुका है. 7 × 7 = 7/3 = 10 / 7 ये देखिए. एंड इधर होगा 14 × 7 = 14 × 14 = 18 = 18/7 तो दोनों को हम प्लस कर देंगे. 28/7 हो जाएगा. इन दोनों को काटेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 4. ठीक है. ये आंसर 4. डी वाला किया है उसके बाद मैंने, क्योंकि डी में नीचे के दोनों डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग है, इसलिए मैंने इसको पहले एलसीएम निकाला. ये एलसीएम में आया मेरा 9 आया. 9 को मैंने किया तो इसका 1 ही होगा, क्योंकि फर्स्ट वाले का 9 ही है डिनोमिनेटर. उसके बाद है इसका हो जाएगा 12, क्योंकि 3 × 9 = 9 तो 3 आया आंसर. 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाएगा. तो इसका जब कर लेंगे तो ये 13/9. इसका इसको 9 से आप 13 को डिवाइड करके उसका आंसर भी उस तरह से भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ये भी आंसर सही है. सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन दिया है पेंसिल. एक मिनट, इसका क्वेश्चन हम आपको पढ़ के देते हैं. ये देखिए, रोहित ब्रॉट अ पेंसिल ऑफ रेड सितना एंड एन इरेजर फॉर दिस, दैट इज व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द बोथ ऑफ देम. तो आप इसको पहले पेंसिल का लिखेंगे, फिर आप ये देखिए मैंने किया है यहाँ पे, पहले पेंसिल का इतना प्राइस है और इरेजर का इतना, उसके बाद टोटल कॉस्ट इसका कितना आएगा. ये देखिए मैंने इसको प्लस किया है, तो जब दोनों का इसको करेंगे सॉल्व तो इस तरह से होगा. उसके बाद इसका 7 से एलसीएम लेंगे तो 70 आएगा, क्योंकि 7 × 10 = 70 होता है. उसके बाद फिर इससे डिवाइड करके और ऊपर वाले से नीचे वाले से डिवाइड करके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ये आंसर इसका. ओके. अब इसी तरह से सारे सम्स इसके हैं, तो इसको आप खुद से करेंगे. 2-3 सम्स इसी तरह से हैं तो आप खुद से करेंगे, और इसके भी जितने बचे हुए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने बचे हुए हैं वो भी आप खुद से करेंगे. ठीक है. देन आपका ये एक्सरसाइज 5.6, उसमें प्लस करना था, इसमें माइनस करना है, कुछ इसमें है नहीं. देखिए मैंने फर्स्ट वाला सॉल्व किया हुआ है. ये फर्स्ट वाला देखिए, 6/8 - 3/8, तो 8 कॉमन है, इसमें से 6 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा आंसर, ये हो जाएगा. फिर सी वाला मैंने किया है. सी वाले में भी पहले इसको मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, इसको भी करेंगे तो क्या आ जाएगा. फर्स्ट वाले का 31/7 और दूसरे वाले का 18/7. 7 हमारा कॉमन है तो नीचे को 7 आ जाएगा. 31 - 18
थर्टीन अपॉन सेवन, ठीक है। इसको आप 13 को आप 7 से अगर डिवाइड कर लेंगे तो 1 अपॉन 7 आएगा, ठीक है। उसके बाद डी वाला क्वेश्चन देखिए, 5 अपॉन 6 माइनस 4 अपॉन 9, इसमें भी एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा 18 आएगा। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, 18 इसको डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई करना है जैसे बताया गया है उस तरह से करके, फिर इसमें से इसको माइनस कर 7 अपॉन 18। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन, इसका मैंने सिंप्लीफिकेशन किया, इसका पहले तीनों का एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम 18 आया। उसके बाद फिर मैंने इस नीचे वाले से डिवाइड किया और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके ये सब लिख लिया, 15 माइनस 18 प्लस 12 इतना आया। उसके बाद 15 में से 8 गया, 7 बचा, और प्लस 12 दोनों को प्लस कर दिया तो 19 अपॉन 18 आ गया। तो इसका आंसर ये हो गया, इसको जब 18 को जब 19 को जब 18 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, देखिए थर्ड वाला भी मैंने किया है, उसमें वो वर्ड प्रॉब्लम की तरह है, उसमें ऐड करना था जिसमें देखिए ये 9 2 अपॉन 3 माइनस 19 है, इसको इस तरह से सॉल्व करना है, देखिए मैंने सॉल्व करके बताया है, ठीक है। दोनों में इसमें 19 ओनली 19 है तो 19 अपॉन 1 हो जाएगा, इसमें 3 कॉमन आ जाएगा, फिर 3 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 19 का 19 ही हो जाएगा, फिर इसमें से माइनस करेंगे 10 अपॉन 3, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। देन 5 का क्वेश्चन का 5 वाला भी मैंने कर दिया है, इसमें देखिए 7 1 अपॉन 2 माइनस 5 3 अपॉन 4, इसको मैंने सॉल्व किया है तो इसका एलसीएम निकाल के ये आया, इसको सॉल्व किया तो ये आया, तो इतने लीटर मिल्क जो है हमारा लेफ्ट रहा। इसमें भी मैंने 5 तक ही किया है। देन आपका ये इसमें जितने बचे हैं 2-3 सम उसी तरह से करने जैसे मैंने 5th वाला किया है, वैसे 6th और 7th भी आपको करना है तो आप खुद से कर लेंगे। एंड आपका ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपका जो है होमवर्क है वो आप खुद से करेंगे और ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार अगर ऑनलाइन पेपर होता है तो आपको मल्टीपल चॉइस ही ज़्यादातर दिया जाएगा और इसी में से हम दे सकते हैं, सो आप इसको होमवर्क है ये आपका, आप इसको ज़रूर से कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। देन आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया, ओके। लेसन 5 और लेसन 6 लेसन कह रहे हैं एक्सरसाइज 5.5 एंड 5.6 आपका हो गया, तो ये वाला पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम